भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा आज खरगोन जिला मुख्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में भीम आर्मी ने बताया कि देश भर में शासकीय उपक्रमों का तेजी से निजीकरण हो रहा है, जिसमें बेरोजगारी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। निजीकरण को बंद कर पूंजीपतियों के हाथों न दिया जाए, अन्यथा देश के हालात बदतर हो जाएंगे। अगर सरकार ने पूंजीवादी शक्तियों को नियंत्रित नहीं किया और निजीकरण बंद नहीं किया तो भीम आर्मी देश भर में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। खरगोन से ओजस निहाले की रिपोर्ट। आज ये लगातार सरकार निजीकरण करती जा रही, आरक्षण का खुला उल्लंघन कर रहा है, इसके विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। और ये कृषि विधेयक जो 3 केंद्र ने पारित किए हैं उसके विरोध में माननीय महामहिम महोदय को ये ज्ञापन दिया है। आपने क्या मांग की है? हमने ये मांग की है कि जो ये 3 कृषि विधेयक बिल जो इन्होंने गैर कानूनी तरीके से पास किए, उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। और ये जो निजीकरण, ये जो BSNL ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, ये निजीकरण बंद किया जाए तत्काल। और ये जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। क्या नाम है आपका? सुनील चौहान, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला सरकार द्वारा। तो हम बहुत बड़ा एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।